पटरी पर ट्रेन दौड़ रही थी, बाहर तेज हवा चल रही थी जिसकी वजह से बारिश की बूंदें खिड़की से होते हुए ट्रेन में बैठे यात्रियों के ऊपर गिर रही थीं। कोई आपस में बातचीत कर रहा था तो कोई मौसम के बदले मिजाज पर चर्चा कर रहा था। तभी अचानक से ट्रेन को जोरदार झटका लगा और पूरी की पूरी ट्रेन समुद्र में जलमग्न हो गई। यकीनन ये बातें सुनने में किसी फिल्म की कहानी की तरह लगती हैं, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि भारत का सबसे दर्दनाक और पुराना रेल हादसा था, जिसकी वजह से रेलवे ब्रिज समेत स्टेशन और ट्रेन सब कुछ समुद्र में बह गया। तो आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प वीडियो। पंबन रेलवे पुल। इस रेलवे हादसे के तार जुड़े हैं भारत के पहले समुद्री पुल से, जिसे पंबन रेलवे ब्रिज के नाम से जाना जाता था। इस ब्रिज का निर्माण साल 1911 में शुरू हुआ था, जो तमिलनाडु राज्य को पंबन द्वीप में स्थित धनुषकोडी नामक शहर को आपस में जोड़ता था। पंबन रेलवे ब्रिज को 24 फरवरी 1914 को आम जनता के लिए खोल दिया था, जो साल 2010 तक बांद्रा वर्ली समुद्री रेलवे ब्रिज के खुलने तक भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज माना जाता था। साल 1988 में इसी पुल के बराबर में एक सड़क पुल का निर्माण किया गया था, जो धनुषकोडी के यात्रियों को रेलवे के अलावा सफर करने का दूसरा बेहतरीन विकल्प माना जाता था। पंबन रेलवे लाइन का हिस्सा धनुषकोडी को भारत से जोड़ने का काम करता था, लेकिन एक हादसे की वजह से वो रेलवे लाइन हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। पंबन रेलवे लाइन आज भी रामेश्वरम को भारत से जोड़ती है, लेकिन उस समय ये रेलवे लाइन धनुषकोडी से जुड़ी हुई नहीं थी। धनुषकोडी की टूटी हुई रेलवे लाइन को दोबारा बनाने का प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि वो लाइन और उसमें चलने वाली ट्रेन रहस्यमय ढंग से समुद्र की लहरों में बह गईं। धनुषकोडी शहर कैसे बना खंडहर। साल 1964 से पहले तमिलनाडु के पूर्वी तट पर धनुषकोडी एक बहुत ही खूबसूरत और व्यापारिक शहर हुआ करता था, जहां से श्रीलंका की दूरी महज 18 मील यानी 29 किलोमीटर थी। इस शहर को भारत से जोड़ने के लिए पंबन से एक रेलवे लाइन तैयार की गई थी, जो समुद्र के बीचों बीच मौजूद थी। ये जगह पर्यटन और तीर्थ स्थल के रूप में काफी ज्यादा मशहूर था, जहां यात्रियों मछुआरों समेत व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था। धनुषकोडी में धर्मशालाएं, होटल और कपड़ों की कई दुकानें मौजूद थीं, लेकिन उस समय पंबन रेलवे लाइन रामेश्वरम तक नहीं जाती थी। इसी वजह से जब सन 1964 में धनुषकोडी की रेलवे लाइन नष्ट हुई, तो उसका असर रामेश्वरम को जोड़ने वाली पंबन रेलवे पर नहीं पड़ा था। ऐसे में जब धनुषकोडी को जोड़ने वाली रेलवे लाइन चक्रवात की चपेट में आने से नष्ट हो गई, तो ये समृद्ध शहर भी पूरी तरह से खंडहर हो गया था। 21 दिसंबर 1964 को भारत के दक्षिणी छोर में तेज चक्रवात और तूफान की स्थिति हो रही थी। ऐसे में जब पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन तमिलनाडु के मंडपम से धनुषकोडी के लिए निकली, तो यह उसका आखिरी सफर साबित हुआ। दरअसल जिस समय ट्रेन मंडपम रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली थी, उस समय समुद्र में लो प्रेशर की स्थिति बनी हुई थी, जिसकी वजह से बारिश और तेज तूफान की आशंका बनी हुई थी। हालांकि इस बीच ट्रेन और अन्य यातायात साधनों की आवाजाही जारी थी और सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। ऐसे में जब ट्रेन नंबर 653 मंडपम रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, तो उस समय 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। ट्रेन जैसे जैसे पटरी पर आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे हवा की रफ्तार तेज होने लगी और वो तूफानी हवाओं में तब्दील हो गई। ऐसे में लोको पायलट को सिग्नल मिलना बंद हो गए और उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से ट्रेन को बीच में ही रोक दिया था। लेकिन काफी देर तक कोई सिग्नल ना मिलने की स्थिति में लोको पायलट ने आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि बिना किसी जानकारी के पटरी पर ट्रेन को खड़ा रखना किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता था। इसलिए लोको पायलट ने हिम्मत दिखाई और तेज हवाओं और बारिश के बीच सीटी मारते हुए ट्रेन को धीमी गति से चलाना शुरू कर दिया। इस बीच श्रीलंका से दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहे तूफान की रफ्तार तेज हो गई और अब हवाएं 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगी। ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों ने खिड़कियां बंद कर ली, तो वहीं कुछ बदलते मौसम का मिजाज ले रहे थे। उस ट्रेन में सवार आधे से ज्यादा यात्रियों को धनुषकोडी से दूसरी ट्रेन लेकर श्रीलंका तक जाना था,
लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए। समुद्र में रहस्यमय ढंग से गायब हो गई ट्रेन। 11:55 पर पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन 653 स्टेशन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर सफर कर रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ट्रेन को 22 दिसंबर की सुबह का सूरज देखना नसीब ही नहीं होगा। ट्रेन पटरी पर सीटी मारते हुए आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया और बाहर की स्थिति बहुत ही भयानक लगने लगी। लेकिन ट्रेन को बीच में रोकने के बजाय लोको पायलट ने जोखिम उठाकर बिना सिग्नल के ही ट्रेन को आगे बढ़ना जारी रखा। जब ट्रेन समुद्र में बने पंबन रेलवे ब्रिज पर पहुंची, तो स्थिति और भी खतरनाक हो गई थी, क्योंकि तेज बारिश की वजह से पटरी में काफी फिसलन हो चुकी थी और अंधेरे की वजह से स्थिति का सही अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान समुद्र की तेज लहर ट्रेन नंबर 653 से टकराई और उसे रहस्यमय ढंग से निकल गई। ट्रेन में 6 डिब्बे मौजूद थे, जो तूफान और समुद्री लहर से टकराने की वजह से पूरी तरह से तहस नहस हो गए। तूफान इतना तेज था कि स्थिति सामान्य होने के बावजूद भी किसी को ट्रेन नंबर 653 का पुर्जा तक नहीं मिला था। रेलवे आंकड़ों की माने तो उस तूफानी समुद्री लहर ने पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन समेत 110 यात्रियों और 5 रेलवे कर्मचारियों की जान ले ली थी। समुद्री लहर के साथ ट्रेन और उसमें सवार यात्री कहां बह गए, इस बात का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि रेलवे का ये आंकड़ा सिर्फ टिकट लेकर सफर करने वाले यात्रियों तक ही सीमित था। इसके अलावा ट्रेन में ऐसे भी लोग सफर कर रहे थे जिन्होंने ना तो ट्रेन टिकट ली थी और ना ही उनका नाम मृतकों की लिस्ट में शामिल था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ट्रेन नंबर 653 हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 180 से 200 के बीच रही होगी। समुद्र इतना विशाल है कि उसमें बहने वाली ट्रेन और यात्रियों का कोई नामो निशान ही नहीं मिला। वहीं हादसे में अपने परिजनों को गंवाने वाले लोग उन्हें अंतिम विदाई भी नहीं दे पाए। साल 1964 का वो तूफान इतना जबरदस्त और विनाशकारी था कि उसने ट्रेन और यात्रियों के साथ साथ मंडपम को धनुषकोडी से जोड़ने वाली पंबन रेलवे लाइन को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तूफान ने मचाई थी घंटों तक तबाही। ट्रेन नंबर 653 को समुद्र एक ही झटके में निकल गया था, लेकिन तूफान का असली दर्द तो रामेश्वरम समेत धनुषकोडी में रहने वाले लोगों ने झेला था। बताया जाता है कि उस साल आने वाला तूफान इतना तेज था कि उसने घंटों तक दक्षिण भारत में तबाही मचाई थी। हालात ये थे कि अकेले धनुषकोडी शहर में चक्रवात की वजह से 1000 से 1800 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। उस दौर में राहत और बचाव का काम इतनी तेजी से आधुनिक तरीके से नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से लोगों की जान बचाना और उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाना नामुमकिन था। इसके अलावा धनुषकोडी समुद्र के बीचों बीच स्थित एक ऐसी भूमि थी जहां रहने वाले लोगों के पास बचने का कोई तरीका नहीं था। समुद्र की लहरें अपने उफान पर थी, जो विशाल से विशाल चीज को निगलने की ताकत रखती थी। समृद्ध और खूबसूरत सा दिखाई देने वाला धनुषकोडी शहर किसी वीरान और खंडहर जगह में तब्दील हो चुका था, जहां धर्मशाला से लेकर दुकानें और पर्यटन स्थल पूरी तरह से तबाह हो गए थे। लोगों के टूटे फूटे घर और दुकानों को देखकर ये अंदाजा लगा पाना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि चक्रवात अपने साथ क्या कुछ बहा कर ले गया था। इस प्राकृतिक आपदा में मंडपम को धनुषकोडी से जोड़ने वाली रेलवे लाइन पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी, जिसके बाद उस ब्रिज को दोबारा कभी बनाने की कोशिश नहीं की गई। उस हादसे में जीवित बचने वाले लोगों का कहना है कि तूफान के दौरान 10 किलोमीटर ऊंची लहरें अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रही थी, लेकिन वो तूफानी पानी रामेश्वरम के मुख्य मंदिर तक नहीं पहुंच पाया था। उस मंदिर में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए शरण ली हुई थी, जो चक्रवात से सुरक्षित बच गए थे। इस भीषण हादसे के बाद तत्कालीन मद्रास सरकार ने धनुषकोडी को रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, क्योंकि वहां आपदा के समय मदद पहुंचाने का कोई साधन मौजूद नहीं था। ऐसे में बीतते समय के साथ खूबसूरत धनुषकोडी एक भुतहा शहर में तब्दील हो गया, जहां वर्तमान में सिर्फ कुछ मछुआरे रहते हैं और समुद्र में मछलियां पकड़कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। धनुषकोडी पीड़ितों की याद में बनाए गए थे स्मारक।
धनुषकोडी बस स्टैंड के पास एक स्मारक मौजूद है जिसे साल 1964 की आपदा में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया था। उस स्मारक में लिखा गया है कि उच्च गति और उच्च ज्वारीय हवाओं की लहरों के साथ एक तूफानी चक्रवात ने धनुषकोडी को 22 दिसंबर 1964 की आधी रात को तहस नहस कर दिया था। ये तूफान 25 दिसंबर 1964 की शाम तक जस के तस चलता रहा। उस चक्रवात से भारी नुकसान हुआ था, जबकि सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और पूरा का पूरा धनुषकोडी शहर बर्बाद हो गया था। धनुषकोडी में रहने वाले मछुआरे अपनी जान को जोखिम में डालकर उस शहर में रहते हैं, जबकि उनके परिवार दक्षिण भारत में हैं। वो मछुआरे मछली पकड़कर नाव के जरिए रामेश्वरम तक की यात्रा करते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास ट्रेन का विकल्प मौजूद नहीं है। तो ये थी रहस्यमय ढंग से गायब होने वाली पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन 653 की कहानी, जो अचानक से गायब होने के साथ कई लोगों को समुद्र के लहरों में ले डूबी। यकीनन इस ट्रेन हादसे को भारत के सबसे भयानक और रहस्यमय घटनाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि इस घटना ने लोगों को अंदर तक हिला कर रख दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।